योगी आदित्यनाथ ने आगरा पहुंचकर आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मेट्रो रेल परियोजना को लेकर शुरुआत से ही काफी उत्साहित रहे हैं, जिसका असर आगरा में देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले से ही मुख्यमंत्री के आगरा दौरे को लेकर तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल परियोजना को प्राथमिकता देते हुए सर्किट हाउस से मेट्रो रेलवे विभाग में पहुंचकर सभी चीजों का जायजा लिया। गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने वार्ड नंबर 42 पुरदिलपुर में बस्ती का निरीक्षण किया। वहीं मलिन बस्ती में जाने से पहले उन्हें नाले पर कई मकान दिखे, जिसके बारे में अफसरों से पूछने पर बताया गया कि ये मकान काफी समय पहले के बने हुए हैं। वहीं मंत्री ने नाले के पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न मिलने पर नाराजगी जताई। गोवंश का निरीक्षण किया, इन गायों की स्थिति काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर गोबर से जो कंपोस्ट बनाई जा रही है वो भी इनका बहुत सराहनीय प्रयास है और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि गोमूत्र को भी ये अगर प्रयोग में लेंगे और उसकी फिनाइल या किसी प्रकार से उसको रिसाइकिल करवाएंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इस गौशाला के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आज हमसे नगर आयुक्त ने कहा कि 15 दिन के अंदर गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील में मरीज को बंधक बना परिजनों से पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मरीज के परिजन ने एसडीएम से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले को सही पाया, जिसके बाद मरीज को तत्काल सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराते हुए फर्जी अस्पताल को सील कराने का आदेश दिया। 2022 को तिवारीपुर रोड पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहा था कृष्णा हॉस्पिटल के नाम से, उसको हमने सील कराया था। हमें कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि वो अंदर से खोल के चलाया जा रहा है वापस से, और आज हमारे यहाँ एक प्रार्थी आया जिसकी वाइफ के बच्चे का 2 दिन पहले देहांत हो गया, वो ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस जो है वो मर गया, और इसके बाद वो लोग माँ को छोड़ नहीं रहे थे और उन्होंने उसके स्टिच काटने के लिए उनसे 20,000 रुपये का डिमांड किया। खबर नोएडा के सेक्टर 93 ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी से है, जहां एक महिला से अपशब्द बोलने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खुद को बीजेपी नेता बता रहा युवक एक महिला और उसके परिवार को गाली दे रहा है। आपको बता दें कि महिला ने सोसाइटी पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे युवक को मना किया, जिस पर युवक महिला के साथ गाली गलौज करने लगा। वहीं महिला से हुई बदतमीजी पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया पेड़ लगाने को लेकर बवाल हुआ था। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेस 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमिक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। अलीगढ़ के खैर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मदनपुर के ग्राम प्रधान पति पर सीओ खैर के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक गांव मदनपुर निवासी जगदीश चौहान की अपने पारिवारिक लोगों से कुछ झगड़ा हो गया। वहीं मामले को लेकर विजेंद्र शर्मा ने मौके का फायदा उठाते हुए सीओ खैर आरके सिसोदिया के नाम पर पीड़ित व्यक्ति से 50,000 रुपए ले लिए। अब पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सीओ खैर को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई गई है। ये क्या मामला हुआ है आपके साथ, जो लड़ाई जो ये हुआ है कि जो मेरे परिवार के कुछ आदमी थे वो मेरे से झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने उनकी तहरीर दी। तहरीर देने के बाद में प्रधान पति विजेंद्र शर्मा जी से मैं मिला, उनसे मैंने कहा कि चाचा ऐसे ऐसे बात है प्रधान जी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तेरी कार्रवाई कराऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ।
फरीदाबाद में पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, 13 सिम और लाखों रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग shine.com वेबसाइट से नौकरी तलाश करने वाले लोगों की जानकारी एकत्रित करते थे और उनके बाद कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें अपना शिकार बनाते थे। जो एक साइबर का कॉल सेंटर चला रहे थे फर्जी, उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें कि उनका तरीका ये था कि वो लोग लोगों को फ़ोन करके नकली नौकरी लगवाने के बहाने उनको फ़ोन करते थे और उनको ये बोला जाता था कि वो इंडिगो एयरलाइंस में उनकी जॉब लगवाएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास एक मुदई थे जिनका फ़ोन आया था, जिसको उन लोगों ने 6,65,000 का चूना लगाया था इसी तरीके से। वाम मोर्चा के पदाधिकारियों ने बिजली की बढ़ी दरों को लेकर मुरादाबाद जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वाम मोर्चा के पदाधिकारी केहर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमने आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए, साथ ही किसानों और मजदूरों के बिजली बिल भी माफ किए जाए। ये आज जो किसानों के लिए सरकार ने उसमें आंदोलन में एक फैसले किया था कि विद्युत अधिनियम 2020 के बारे में वापस लेने के बारे में और जो विद्युत कर जो निजीकरण के लिए सरकार प्रयास कर रही है उसमें जो है जोरदार हम दलों की तरफ से हम जोरदार उसका विरोध करते हैं और उसे वापस लिए। सरकार ऐसा नहीं करती तो क्या करेंगे आगे? आगे उससे कोई ना कोई जैसे आंदोलन किसानों का था उसके बाद फिर दोबारा से कुछ ना कुछ दोबारा से आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आज सारे जो है सारे जिलों में धरना प्रदर्शन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाए। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर शाहजहांपुर के सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में जिला अधिकारी ने तिरंगा रैली का निकालकर हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। साथ ही अमृत महोत्सव को उत्साह के साथ मनाने को भी कहा। कार्यक्रम चलेंगे और इस बार 15 अगस्त में अमृत महोत्सव 75 आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसको पूरे उमंग और उत्साह से मनाया जाएगा पूरे ज़िले में और इस तरह के कार्यक्रम डेली होंगे। आज भी मैं दो स्कूलों में जा रहा हूं बच्चों का स्वावर्धन करने के लिए। अभी एक स्कूल में जाऊँगा और उसके बाद एक स्कूल में और जाना है। इसके अलावा इस बार हम लोग जो नया कर रहे हैं उसमें 75 क्विज प्रतियोगिता हमने कराई है, जिसमें सीनियर वर्ग में, माध्यमिक वर्ग में, जूनियर वर्ग में और अदर देन, उसका भी 14 अगस्त को हम लोग म्यूजियम में गया कार्यक्रम करेंगे और माननीय मंत्री जी कर कमलों से उसमें पुरस्कार वितरण कराएंगे। 21,000 का, 15,000 का, 10,000 का और 7,000। बुलंदशहर में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में बीबी नगर पुलिस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने SBIC स्कूल के अध्यापकों और छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। पूरा देश इस समय आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हर घर तिरंगा लहराने का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि इस स्वतंत्रता दिवस को जिला प्रशासन भी गौरवपूर्ण बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी क्रम में गाजीपुर में DM और SP की अगुवाई में छात्र छात्राओं अध्यापकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में करीब 5,000 लोग शामिल हुए। आपको बता दें 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और DM ने अपील की कि इस बीच सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं, आजादी का अमृत महोत्सव गौरवपूर्ण बनाएं। करते समय टेला मोड़ थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स गश्त। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके में पुलिस ने देर रात भारी भरकम ट्रॉली ब्रीफकेस के साथ जा रही एक महिला से पूछताछ की। तभी महिला पूछताछ के समय घबरा गई। बाद में जब महिला के पास मिले बैग को खंगाला गया तो बैग में से जो निकला उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आपको बता दें कि महिला के बैग में एक युवक की लाश मिली, जिसको पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस गश्त करते समय टेला मोड़ थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स गश्त कर रहा था। सब इंस्पेक्टर्स तुलसी निकेतन चौकी इंचार्ज वगैरह सब गश्त कर रहा था। उस समय कुछ महिला ने वहाँ पे संदिग्ध
महिला ने संदिग्ध परिस्थिति में निकली थी और पुलिस उसके देख के तुरंत उसको रोका और तलाशी किया है। तलाशी में उनका हाथ में जो सूटकेस था उससे कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ी थी। वो डेड बॉडी के पुलिस ने तुरंत कब्जे में लेके उनसे पूछताछ किया। उन्होंने ये बताया एक व्यक्ति है उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहता था। अभी पूरा एड्रेस वेरीफाई कर रहा हम लोग, पूरा बाकी एविडेंस वगैरह इकट्ठा करवा रहा है। जो आदमी है उसका परिवार लोग को सूचना पुलिस ने दे दिया है और पुलिस उनका परिवार दिल्ली में रह रहा है, वो आ रहा है, उनसे बातचीत कर। खबर गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के बीरपुर से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दो और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से गौवंश, एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। अपराध नियंत्रण के लिए रात में गश्त जो है वो लगातार SOG और थाना पुलिस द्वारा की जाती है। कल जो है यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग करीबन 3-3:30 बजे के आसपास भावरकोल पुलिस और SOG ने एक पिकअप को चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की थी। पिकअप में सवार कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है। ये पूरे ऑपरेशन में 8 गोवंशीय पशु जो है वो बरामद हुए हैं, एक पिकअप, कुछ तमंचे, खोखा कारतूस और खाली कारतूस जो है इसमें से बरामद हुए हैं। खबर कानपुर के चुकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला इलाके से है, जहां एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मौत की खबर पर ससुराल पहुंचने से पहले ही ससुराल वालों ने उसका क्रियाकर्म कर दिया था, जिसके बाद परिजनों ने मृतका के पति समेत सास ससुर और पूरे ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। खबर बांदा के कोतवाली शहर के ज्योति नगर मोहल्ले की है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 3 सगे भाई बहनों की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार जहरीला कीड़ा काटना मौत का कारण बताया जा रहा है। जानकारी पर परिजन सभी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। साथ ही एक बच्ची ICU में अपनी जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। कुछ समझ में नहीं आया, 4 बजे करीब ये लोग मेरे पास आए, किसी कीड़े में जवा बता रहे हैं बच्चे। हाँ, बता रहे हैं बच्चे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे एक ही बेड में लेटे थे। कोतवाली नगर क्षेत्र के ज्योति नगर में प्रतीक गेस्ट हाउस के पास एक कामता राजपूत नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। कल रात्रि में एक ही बेड पर 4 बच्चे सोए थे, जिनको किसी जहरीले जंतु ने काट लिया है। प्रातः 5 बजे वो सदर अस्पताल और उसके बाद मेडिकल कॉलेज उनको ले करके गए थे। इलाज के दौरान रक्षा राजपूत 14 वर्ष, रचना राजपूत 16 वर्ष, दीक्षा राजपूत 7 वर्ष व अमन राजपूत 10 वर्ष। अमन राजपूत बेटा है, बाकी सभी तीनों उनकी बेटियां हैं। उनका इलाज वहां चल रहा था। इलाज के दौरान रक्षा, अमन और दीक्षा राजपूत की मृत्यु हो गई है। अलीगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में शुमार पाताल खेरिया मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस प्राचीन शिव मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आया करते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये मंदिर वेदों पुराणों में दर्ज बताया जाता है। यही कारण है कि मंदिर की विशेषता देश भर में प्रसिद्ध है। का पहली बात तो यह है कि यह कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है और तारकासुर की वध स्थली है। कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है, तारकासुर की वध स्थली है और ये लगभग में कुछ नहीं तो बहुत अनादि काल से है, क्योंकि अतीत का ये है। मुगल काल में भी इसका कोई भी जो है भूमि इसको जिसकी जो मंदिर था वो ध्वंस कर दिया गया, लेकिन मूर्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गांव पर एक प्राचीन पातालेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है,
यहाँ दूर दूर से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और सच्चे दिल से जो मुरादें जो होती हैं उनकी मुरादें ही पूरी होती हैं। और काफ़ी विचार ये सावन का आखिरी सोमवार का दिन है आज, और काफ़ी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु दूर दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी चल रहा है श्रद्धालुओं द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत विशाल अच्छा मंदिर है, इसका सौंदर्यीकरण भी बहुत जल्दी होने वाला है। मंदिर की विशेषता ये सुनने में आई है कि ये त्रेता युग का मंदिर है, यहाँ का भोले बाबा के पुत्र कार्तिकेय का जन्मस्थली है, जो हमें अभी इसी वर्ष पता चली है। काफ़ी आस्था है हिंदू धर्म में इसकी, और पूरे क्षेत्र में इसका नाम है। और उसके बाद यहाँ पे सौंदर्यीकरण का भी काम होने की वजह से, जिस वजह से यहाँ चर्चा में आया हुआ है, और मान्यता आस्था दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई है। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की उस वक्त पोल खुल गई जब प्राइम टीवी के सामने एक ऐसे विद्यालय का मामला आया जिसमें एक ही रूम में 8 कक्षाओं का संचालन हो रहा था, साथ ही वहां 400 छात्र एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि मामला गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक के उस BRC केंद्र का है जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का कार्यालय है। देखिए, वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित जर्जर भवनों पर ध्वस्तीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। तो कतिपय स्थानों पे जहाँ पे जर्जर भवन गिराए जाने के पश्चात बच्चों के पढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं है, उनको तात्कालिक रूप से समीपस्थ किसी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी के तहत वहाँ पे दूसरे विद्यालय के जर्जर भवन जो हो गया था उसके गिराए जाने के फलस्वरूप बच्चों को स्थानांतरित किया गया है। कमरा है, 3 कमरे का हाल दिया गया है BRC का जी, एक कमरा और दिया गया है। इन लोगों का विद्यालय कंपोजिट विद्यालय था रुदपुर फर्स्ट टाउन एरिया का, जो जर्जर हो गया तो उनको उन बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया BRC के ट्रेनिंग हाल में। सारे बच्चों को सर एक ही हाल में रखने से क्या उन्हें परेशानी नहीं होती होगी? परेशानी तो है, लेकिन कमरे यहाँ उपलब्ध नहीं है, टाउन एरिया में कोई निर्माण अभी आया नहीं है, डिमांड गया है। लंगड़ा तागे की अवैध रूप से बनी नोएडा की भंगेल मार्केट पर GST का छापा पड़ा है। इस अवैध मार्केट से 8 लाख रुपए महीना किराया भी वसूला जाता था, और इस मामले पर प्राइम टीवी से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, श्रीकांत का जो मामला है श्रीकांत त्यागी का, उसको लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई करते करते उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत देर कर दी। देखिए, इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी जांच हो रही, कार्रवाई होगी, हम किसी को बख्शे नहीं। वो ही कह रहे हैं कि सरकार के कुछ लोगों से उसकी संलिप्तता इस वजह से देरी हुई। अगर कोई ऐसी बात स्थिति होगी तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे, और हर स्थिति में हम कानून पर राज कायम रखेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कानून की दृष्टि से उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो सभी होगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ नितिन पांडे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।